चलिए अपनी खास पेशकश का रुख कर लेते हैं। पूरे देश में इन दिनों एक ही चर्चा है, हर कोई कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात की संपूर्ण सच आखिर उसका क्या है वो जानना चाहता है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया गया। दिल्ली से पहुंची सीएफएसएल की जो 5 एक्सपर्ट की टीम है। इसी बीच ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद नोटिस लिया, संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को अब इस मामले की सुनवाई भी होनी है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो दूसरी तरफ कोलकाता से लेकर देश भर में इस वक्त आक्रोश बरकरार है, सियासत भी गरमाई हुई है। हम पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन सबूतों और उन बयानों के साथ आरजी कर हॉस्पिटल में हुई दरिंदगी के सबसे बड़े किरदार की क्राइम कुंडली जरूर आपको बताएंगे। आधी रात का राक्षस, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और यकीन मानिए हर तस्वीर आपको हैरान करेगी। कोलकाता का आरजी कर अस्पताल, जिसकी दीवारें बोल पाती तो गवाही देती कि उस रात अस्पताल में इंसान के भेष में एक शैतान आया था, जिसे तब किसी ने नहीं देखा जब डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी कर रहा था। वो हैवान जिसने देश की बेटी की चीखों को किसी के कानों तक नहीं पहुंचने दिया। वो जल्लाद जिसके हाथ एक अबला के जिस्म को नोचते एक पल को भी नहीं सहमे। और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि ये शख्स था। नाम संजय रॉय, उम्र 35 साल, जुर्म लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का इल्जाम। देश को झकझोर देने वाली वारदात का फिलहाल यही किरदार है, यही जिम्मेदार है और यही गुनाहगार है। लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल यह है कि क्या संजय रॉय ने इतनी बड़ी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय रॉय को कैसे पता था कि पीड़ित डॉक्टर उस समय अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली है और सो रही है। सवाल यह भी है कि क्या किसी ने संजय रॉय को लेडी डॉक्टर के अकेले होने की खबर दी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी सिर्फ एक हादसा या वारदात है या फिर एक सोची समझी साजिश है? यही वो सवाल है जिनका जवाब 140 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं। और इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए सीबीआई पूरा जोर लगाए हुए है। इसीलिए आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 5 एक्सपर्ट की टीम ने सवाल पूछे, वारदात वाली रात से जुड़ी घटनाओं का सच जानने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में लेडी डॉक्टर से 35 मिनट तक दरिंदगी की गई थी। उन्हें 35 मिनट का सच सामने लाने के लिए संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। लेकिन ये टेस्ट होता क्या है? इस टेस्ट को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करना भी कहते हैं। इस टेस्ट में सीबीआई लेड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ बोलने की मशीन में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है। इस वॉइस के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जो सवाल आरोपी से पूछे गए हैं उसका जवाब वो सच दे रहा है या फिर नहीं। टीम ने पूछताछ के लिए बाकायदा सवालों की फहरिस्त बनाई थी। मसलन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन्स हैं, दोस्तों के नाम बताओ, किसी से कोई दुश्मनी अगर है तो क्यों है, उनके नाम बताओ, वारदात वाले दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे, किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात क्या तुमने शराब पी थी, अगर हां तो कितनी शराब पी थी, क्या तुम नशे के आदी हो, सेमिनार हॉल क्यों गए थे, तुमने पीड़िता को कहां देखा था, वगैरह वगैरह। सीबीआई 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का सच जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संजय रॉय ने सच बोला? संजय रॉय वो शख्स है
जिसे इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत हैं, जिसे अस्पताल में दाखिल होते और अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आरोपी संजय रॉय 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल आया था। वो अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट वहां रुका। इन 30 मिनटों में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट अस्पताल में नजर आ रही है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है और फिर सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ नजर आता है। इसके करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार रूम से बाहर निकलता है। इसके बाद सॉल्ट लेक में मौजूद बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लिहाजा देश को झकझोर देने वाली वारदात के सबसे बड़े गुनाहगार के परिचय का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, वो भी सवाल के साथ कि कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का पूरा सच क्या है। इस सवाल का जवाब कोलकाता के भवानीपुर में मिलता है। भवानीपुर वही इलाका है जहां से ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं। संजय रॉय का परिवार लंबे वक्त से इसी इलाके में रहता है। आरजी कर अस्पताल से भवानीपुर पहुंचने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगता है। तंग गलियों से गुजरते हुए एक छोटा सा कमरा मिलता है। दीवार पर काली मां की तस्वीर थी, कुछ बर्तन थे, एक टेबल फैन भी था। दस्तक देने पर एक बुजुर्ग महिला नजर आती हैं, बताती हैं कि वही संजय रॉय की मां हैं। कहती हैं कि बेटा खुद को पुलिस वाला बताता था। क्या करता था आपका बेटा ये संजय रॉय? सुना था तो पुलिस में काम करता था, और इससे हम तो कुछ नहीं जानता। आपको क्या बताया था उसने? हमको कुछ नहीं बताता, काम में जाता रहा, आता रहा, बेन लोग भी खाना वाना बना उना के देता ना, बोलता रहा पुलिस में काम है, यही सुना है। पुलिस में वॉलंटियर था? वॉलंटियर ही मालूम हो, आप तो सुन रहे, आप लोग के ही मालूम होगा। आपको यही पता था कि पुलिस में काम करता है? हाँ, पुलिस में। एक कमरे के घर में संजय रॉय की माँ अकेले रहती है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कई परिवार हैं जो लेडी डॉक्टर के कातिल को लेकर कई खुलासा करते हैं। बताया जाता है कि संजय रॉय 2019 में सिविल वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस से जुड़ा था। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में था, बाद में उसे डिपार्टमेंट के वेलफेयर सेल में भेज दिया गया। इस दौरान उसने डिपार्टमेंट में कनेक्शन बना लिए। इसी दम पर उसे पुलिस की 4th बटालियन के कैंपस में रहने की जगह मिल गई। बाद में उसकी पोस्टिंग आरजी कर हॉस्पिटल में कर दी गई। संजय रॉय जो टी शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था, उस पर कोलकाता पुलिस छपा था। उसने अपनी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वो कुछ वक्त से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी पर काम करने लगा था। वारदात के बाद पुलिस चौकी से ही वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या था जिसने एक शख्स को इंसान से शैतान बना दिया। इसका जवाब भी भवानीपुर की उन्हीं तंग गलियों में मिलता है जहां संजय रॉय का परिवार रह रहा था। 8 दिन हो गया 10 दिन हो गया, कोई फैसला नहीं, कोई मिशन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बोलना बेकार है ना। देश में झमेला बजा, तंगी हो रहा, इतने दिन से सीबीआई वाला लोग खोज के नहीं निकल रहा, पुलिस लोग मिल रहा, तो हम लोग पब्लिक क्या करेंगे। पड़ोसी बताते हैं कि संजय की माँ मेंटली डिस्टर्ब है। छोटी बेटी घर पर माँ की देखभाल करती है। पड़ोसियों ने संजय रॉय को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। मसलन, संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। वो अपनी बीवी से मारपीट करता था, इसलिए उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गईं, जबकि 4th पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी। कुछ पड़ोसियों का तो ये भी दावा है कि संजय ने 4 नहीं बल्कि 5 शादियां की थी, लेकिन क्लेश की वजह से कोई भी पत्नी उसके साथ नहीं टिकी और छोड़कर चली गई। वैसे संजय रॉय के परिवार वालों को भी पक्का पता नहीं है कि अब तक वो कितनी शादियां कर चुका है।
शादी की तो कोई न्यूज़ ही मेरे पास नहीं थी, मतलब और भी ये होता है ना कि यहाँ सभी को पता है कि इन लोग के साथ किसी तरह कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए उन लोग भी वहाँ का चर्चा खूब एक मेरे साथ बोलते भी नहीं थे, क्योंकि ये तो अजब बात होता है ना कि बातचीत नहीं है फिर उन लोग के बात हमको क्यों बोले, तो उन लोग भी खूब एक बोलते नहीं थे। ऐसा जब बच्चे मेरे छोटे थे कारपूल से छोड़ने जाते, उस टाइम तो बच्चे छोटे कारपूल में जा रहा था, तो जाते समय हम दो बार दो वाइफ को देखे हैं, एक बार पहले एक औरत को देखे बैठी हुई, तो हम पास में ही पूछे कि ये कौन है, बोले ये तुम्हारा भाई शादी किए हैं उसके वाइफ है। फिर बहुत दिन बाद फिर एक बार एक औरत को देखे, वो अलग, तो मेरे मन में डाउट हुआ कि पहले तो कोई और रहती थी ये कौन है, तो फिर पास में पूछे तो वो बोले कि तुम्हारे भाई दोबारा शादी किए हैं, माने तुम्हारे भाई को वाइफ है, बोले पहला वाले बीवी बोले उससे छोड़ा छोड़ी हो गया है, बस यही तो मुझे पता था। अब वो दिन शनिवार के दिन जो न्यूज़ आया टीवी पे, तब मुझे पता चला कि उसके चार शादी हुए थे, तो हम तो दो ही देखे हैं, तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। संजय रॉय चार बहनों के बीच इकलौता भाई है। सबसे बड़ी बहन संजय के घर से कुछ ही कदम की दूरी पर रहती है, लेकिन करीब 15 सालों से दोनों की बातचीत बंद है। संजय ने कभी उसे अपने घर नहीं आने दिया क्योंकि बहन ने अपनी मर्जी से शादी की थी। अपना भाई है पर फिर भी गलत जो होता है तो गलत है ना, अगर वो ये काम किया है तो सरकार आइन जो सजा उसे दे मंजूर है, क्योंकि गलती हम करेंगे तो सजा भी तो लेना ही पड़ेगा ना। आप चाहेंगे कि जो दोषी होता है उसको हमेशा सजा होनी चाहिए, ऐसे मामले में संजय को फांसी हो, ये आप चाहेंगे? देखिए अब ये न्याय न्याय मानने के लिए अगर वो दोष किया है तो हाँ बोल सर, हाँ अगर अगर दोष किया है तो कोई भी बहन नहीं चाहती कि उसके भाई के साथ ऐसा हो, मगर क्या करें बोलिए, अगर वो इतना निष्ठुर काम इस तरह से एक लड़की के ऊपर किया है तो जरूर सजा होना चाहिए, जो सजा दे सरकार आइन जो ठीक लगे वही कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना, घर गलत का तो अंजाम गला ही होता है ना, वो क्यों किया ऐसे, क्या सोच कर किया। एक वो डॉक्टर थी, आज हम लोग कहीं ना काम आती, वो देश का भविष्य, ऐसा होता नहीं है। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस हैवानियत की पूरी कहानी बेहद हैरान करने वाली है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इस वारदात में संजय रॉय अकेले शामिल था या उसके साथ कोई और भी था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय रॉय को कैसे पता था कि पीड़ित डॉक्टर उस समय अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली है और सो रही है, क्या वो लगातार लंबे समय से डॉक्टर पर नज़र रखता था और ये जानकारी रखता था कि वो कब और कहाँ जा रही है, या फिर किसी ने उसे खबर दी और एक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। शक ये भी जताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर किसी बड़े राज को जान गई थी। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि पीड़िता विभाग में चल रहे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक, इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है, इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। जो क्रिमिनेशन घाट का बात बारे में बोलता है, शमशान घाट के बारे में, उधर तीन बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन से लेकर दीदी की पुलिस तक सवालों में है। सवाल ये है कि सुसाइड की कहानी किसने और क्यों फैलाई, परिवार को बेटी का शव 3 घंटे तक क्यों नहीं देखने दिया गया, 3 शव होने के बावजूद लेडी डॉक्टर का अंतिम संस्कार पहले क्यों कर दिया गया। पीड़िता की माँ के मुताबिक अस्पताल की तरफ से उन्हें पहले बेटी के बीमार होने और फिर आत्महत्या की खबर दी गई, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो 3 घंटे बाद शव देखने दिया गया। शव की हालत दरिंदगी की सच बता रही थी। बृहस्पतिवार ड्यूटी गए थे, शुक्रवार 9:53 तक फोन आसे प्रथम, हमारे साथे साथ ही पहुंचे थी, गाड़ी नहीं जतटा टाइम लागे, तारपर हमारे बसिए रेखे देखते दे, তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে, প্যান্ট প্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল,
না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে। ইলজামों और सवालों की कड़ियां हर बीतते दिन के साथ लंबी हो रही हैं। इस बीच डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की जंग कोलकाता से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या के मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। 20 अगस्त को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में ये केस 66वें नंबर पर है, लेकिन उसमें विशेष उल्लेख है कि पीठ इसे प्राथमिकता पर सुनेगी। वहीं कोलकाता में सीबीआई अस्पताल में रेप और कत्ल की हर कड़ी को सामने लाने की कोशिश कर रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल से सवालात का सिलसिला जारी है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में संजय रॉय के दिमागी जहर का पोस्टमार्टम किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि समाज में जब तक ऐसे राक्षस मौजूद रहेंगे, तब तक बेटियां कैसे महफूज रह पाएंगी। जाहिर है कोलकाता की निर्भया के इंसाफ तक ये जंग जारी रहेगी। और झारखंड की सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंपई सोरेन जो दिल्ली में है और जीतन राम मांझी ने इस बीच एक पोस्ट किया है, एनडीए परिवार में स्वागत है। जीतन राम मांझी की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, चंपईदा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे, एनडीए परिवार में आपका स्वागत है जीतन राम मांझी की तरफ से। देखिए जो अटकलें लगाई जा रही थी, इस बीच जीतन राम मांझी का ये पोस्ट आखिर क्या कहता है, ये समझने के लिए निधि श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, अभी तो अटकलें ही हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का ये पोस्ट और उनका ये कहना कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले जो चंपई सोरेन ने इमोशनल पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने विकल्प खुले रखने की बात कही थी, उसके बाद से ही बातें उठ रही थी और एक तरीके से अटकलों पर विराम लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी और उन्होंने कहा कि एनडीए परिवार में स्वागत है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ सालों पहले जीतन राम मांझी की भी बिहार में वही स्थिति थी जब उनसे भी इस्तीफा मांगा गया था। और आज की तारीख में चंपई सोरेन जो कि 5 महीने के मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, और चंपई सोरेन 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली में हैं, और ऐसे में जीतन राम मांझी का ये पोस्ट जो उन्होंने एक्स पर लिखा है एक तरीके से अटकलों पर विराम लगाना ही है। बिल्कुल, तो अटकलों पर विराम लगाते हुए यहाँ समझ आ रहे हैं जो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, जो उनका ये पोस्ट है जीतन राम मांझी का कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। निधि, नजर आप बनाकर रखिएगा इस पर, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी ने अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाली है। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन आते ही इस पर बवाल शुरू हो गया है, आंदोलन की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, बिना परीक्षा होने वाली इस भर्ती को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। अखिलेश यादव इसे दलित पिछड़ों से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की चाल बता रहे हैं। राहुल गांधी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इस्तेमाल कर मोदी सरकार पर हमलावर। लेटरल एंट्री पर फिर बवाल, आरक्षण को लेकर सवाल। केंद्रीय नौकरशाही में सीधी भर्ती, मोदी सरकार पर मायावती भड़की। अखिलेश राहुल का ऐलान, केंद्र के खिलाफ बड़ा प्लान। बिना परीक्षा वाली आईएएस लेवल की भर्ती, विपक्ष ने दी आंदोलन की धमकी। जातिगत जनगणना, एससी एसटी में क्रीमिलियर बंटवारे के मुद्दे और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही में
डायरेक्ट भर्ती यानी लैटरल एंट्री के मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। मोदी सरकार सरकारी कामकाज में 5 साल पहले एक नया तरीका लाई थी जिसको लैटरल एंट्री कहा जाता है, तब भी इसे लेकर बवाल हुआ था और एक बार फिर मोदी सरकार यूपीएससी के माध्यम से सबसे बड़ी लैटरल एंट्री के तहत 45 डोमेन एक्सपर्ट की भर्ती करने जा रही है। दरअसल सरकार को कई विभागों में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन के मुताबिक संयुक्त सचिव के लिए 10 पद जिनमें वित्त और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालयों में 2-2 पदों पर और पर्यावरण इस्पात शिपिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा और गृह मंत्रालय में 1-1 पद पर एक्सपर्ट्स चाहिए। संयुक्त सचिव के अलावा यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक 35 निदेशक और उप सचिव पदों के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर 45 पद खाली हैं जिन पर बिना परीक्षा दिए सिर्फ अनुभव के आधार पर नौकरशाहों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में लिखा गया है कि संयुक्त सचिव पद के आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल का अनुभव होना चाहिए, उनकी उम्र 40 से 55 साल होनी चाहिए, उन्हें 2,70,000 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। इसी तरह निदेशक पद के लिए 10 साल का अनुभव और 35 से 45 साल की उम्र सीमा रखी गई है। उप सचिव पद के लिए 7 साल का अनुभव और 32 से 40 साल उम्र सीमा है। नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर तक जमा करने होंगे। यह नौकरी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। अगर किसी अधिकारी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसका अनुबंध 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि लैटरल एंट्री से हर विभाग को अच्छे अनुभवी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस भर्ती के जरिए अपने लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये जो लेटरल एंट्री है, ये है कि सीधे किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी पद पे इंटरव्यू के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से ले लेना, उसे लेटरल एंट्री कहते हैं। और हर बड़े देश में नया ब्लड लेने के लिए या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के लिए, जैसे आपको पता है यूपीएससी में स्पेशलाइज्ड कैडर बहुत कम है, तो एक्सपीरियंस लोगों को जिन्होंने 10-15 साल कहीं नौकरी कर ली है, तो अगर आप ये वाली जो विज्ञप्ति देखे, नहीं इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 40 से 55 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और इसमें केवल 45 नियुक्तियां हैं जो 10 शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं और जो बची हुई 35 है डायरेक्टर और पदों पे। तो इस तरह से सीधे जब आप एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी पद पे लेते हैं तो उसको लेटर लेटर का नौकरी का विज्ञापन सामने आते ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। मायावती ने पहले पोस्ट में लिखा, केंद्र में संयुक्त सचिव निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि इन सरकारी नियुक्तियों में एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। बीएसपी ने तीसरे पोस्ट में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। 18 अगस्त को मायावती के बाद अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने दी आंदोलन की धमकी। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा, ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है।
अखिलेश यादव ने लेटरल एंट्री से भर्ती को संविधान खत्म की चाल और आरक्षण खत्म करने का नया तरीका बताया है। अखिलेश ने इस भर्ती को वापस लेने की मांग की है। अखिलेश यादव ने देश भर के युवाओं अधिकारियों से इस मुद्दे के खिलाफ साथ आने की अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। तेजस्वी मायावती और अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी भी इस भर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया के मैदान में उतर आए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर राहुल के निशाने पर पीएम मोदी थे। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र के आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने लेटरल एंट्री को देश विरोधी कदम बताया, आईएएस का निजीकरण और आरक्षण खत्म करने का मोदी की गारंटी कहा। साथ ही ये भी कहा कि इंडिया इसका मजबूती से विरोध करेगा। मायावती, तेजस्वी, अखिलेश और राहुल के ट्वीट के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। भारत सरकार की तरफ से आरक्षण का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये योग्यता पे आधारित था और इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं लगाया गया है कि एससी एसटी और ओबीसी के लोग इस पे आवेदन नहीं कर सकते। जो भी योग्य है, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ रखता है और विशेषज्ञ है, अच्छा अनुभवी है, वो इस पे आवेदन कर सकता है। उसके लिए जाति बंधन की कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए आरक्षण हर जगह पे आरक्षण की डिमांड सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में ही ऐसी भर्तियां हो रही हैं। 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दी थी। मनमोहन सिंह सरकार में रघुराम राजन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। यूपीएससी से चुनकर नहीं आए थे, संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंच गए थे और बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे। इंफोसिस के प्रमुख कर्ता धर्ताओं में एक नंदन नीलेकणी भी इसी प्रकार आधार कार्ड जारी करने वाली संवैधानिक संस्था UIDAI के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए थे। बिमल जालान ICICI के बोर्ड मेंबर थे जिन्हें सरकार में लेटरल एंट्री मिली और वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। NTPC के संस्थापक चेयरमैन DV कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को NDBB का चेयरमैन नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान लीवर के पूर्व चेयरमैन प्रकाश टंडन को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का प्रमुख बनाया गया था। केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन KPP नाम्बियार को राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तब लेटरल एंट्री को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ। इस विरोध के पीछे एक और वजह है। दरअसल 2017 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार में मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी और कहा कि लेटरल एंट्री केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे, जिसमें उस वक्त तक सिर्फ अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवाओं से आए नौकरशाही होते थे। लेटरल एंट्री के लिए पहली भर्ती 2018 में निकाली गई, लेकिन सिर्फ संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए। बाद में निदेशक और उप सचिव स्तर के पद खोले गए। मोदी सरकार में लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई, जिसमें 35 निजी क्षेत्र से थे। इनमें से 57 अधिकारी अभी भी अपने अपने मंत्रालयों विभागों में कार्यरत हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीख जल्द आ जाएगी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाला है। ऐसे में लेटरल एंट्री के खिलाफ उठी आवाज से सरकार कैसे निपटेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि अब तक आरक्षण के मुद्दे से BJP को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ है।
कोलकाता मर्डर रेप केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप घोष से अब भी पूछताछ चल रही। करीब 10 घंटे हो चुके हैं, 10 घंटे से ये पूछताछ जारी है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं घोष। सीबीआई की आज तीसरे दिन पूछताछ जारी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कल भी संदीप घोष से सीबीआई सवाल जवाब करेगी। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, पूछताछ अब भी हो रही है। सीबीआई के सवालों का सामना आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को करना है और ये लगातार आज 10 घंटे से पूछताछ जारी है, तीसरा दिन है, लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं हुए हैं। और इसीलिए जानकारी यह भी है कि कल भी संदीप घोष को सीबीआई बुलाएगी और पूछताछ करेगी। कुछ अहम सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब सीबीआई जानना चाहती है और इसीलिए संदीप घोष से लगातार घंटों तक पूछताछ हो रही है। 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन तक भी अभी सीबीआई के पास और सवाल हैं जिनका जवाब संदीप घोष को देना है और इसीलिए कल भी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई के सवालों का सामना संदीप घोष को करना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।